रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएँगे किन्ों ने सीनेमाइटोग्राफी की है कि डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग आ, रेटिंग रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मनहान ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बाहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंड्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेउन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से एंड मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोजर टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन इलेवन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहलवर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब के लीडर फ्रैंक का कैरेक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोस्टो तो, डोस्टो तो एवासकाय एवास द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूबर्ट वाइट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम पर आउट ऑफ़ की रेटिंग, है।, जो कि एक एवेज, एवेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज्यादा कमाल का नहीं देखना मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दैक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई एम वीवी पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे किन्ों ने सिनेमाटोग्राफी की है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग रेटिंग uh, रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मोनहर्न ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंक्लर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बाहड़वर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेउ ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से गैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोजेड टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामोट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में 39.3 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहलवर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉहन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब के लीडर फ्रैंक का कैरेक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोसटो तो, डोसटो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपर्ट वॉट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम डी पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दैक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे किन्ों ने सिनेमाटोग्राफी की है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग रेटिंग रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मनहान ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेउ ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से गैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोजर टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन इलेवन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी से लेकर थर्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहलवर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का करैक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नोवेल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोस्टो तो, डोस्टो तो एवास एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपर्ट वाइट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम डब्ल्यू पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दाक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो तो इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो तो प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो so अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्ों ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे कि इन्होंने सिनेमाटोग्राफी की है कि इन्होंने डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग रेटिंग uh, रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मनहान ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बाहड़वर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से दैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोज टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामोट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए बाफ़ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट 25 से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहड़वर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का करैक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोसटो तो, डोसटो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपॉट वॉयट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दैक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो तो इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई एम वीडियो पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो तो प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे किन्ों ने सिनेमाटोग्राफी की है कि डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग आ, आ, रेटिंग रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मोनहर्न ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बाहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की है गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से गैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोजेड टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहलवर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉहन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब के लीडर फ्रैंक का कैरेक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नॉवल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोस्टो तो, डोस्टो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपर्ट वाइट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दया कैम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो so अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे कि इन्होंने सिनेमाटोग्राफी की है कि इन्होंने डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग रेटिंग uh, रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मनहान ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बाहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेउन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से एंड मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोज टू द होल प्रोडक्शन्स लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में 39.3 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहड़वर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का करैक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोस्टो तो, डोस्टो तो एवासकाय एवास द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूबर्ट वॉट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का आई एम पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखना मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दैक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो तो इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई एम वीवी पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो तो प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे किन्ों ने सिनेमाटोग्राफी की है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग आ, रेटिंग रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मोनहर्न ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बाहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की है गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेउ ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से गैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोजेड टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामोट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहड़वर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉहन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का करैक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोसटो तो, डोसटो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपर्ट वॉइट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम डी पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दैक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं किहोने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे किन्ों ने सिनेमाटोग्राफी की है कि डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग रेटिंग uh, रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं दो आठ में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मनहान ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेउ ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से गैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोजर टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन इलेवन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी से लेकर थर्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में 39.3 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहलवर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का कैरेक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नोवेल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोस्टो तो, डोस्टो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपर्ट वाइट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम डब्ल्यू पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दाक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो तो इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो तो प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएँगे किन्ों ने सिनेमाटोग्राफी की है कि डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग आ, रेटिंग रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मनहान ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बाहड़वर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से दैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोज टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामोट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए बाफ़ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट 25 से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहड़वर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का करैक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंस ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डो तो, डोसटो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपर्ट वॉयट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दैक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई एम वीडियो पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्ों इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस, इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे किन्ों ने सिनेमाइटोग्राफी की है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग रेटिंग uh, रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मोनहर्न ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की है गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूजिक किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेउ ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से गैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोजर टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में 39.3 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहलवर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉहन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का करैक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंस ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नॉवल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोस्टो तो, डोस्टो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपर्ट वाइट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दा कैम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएँगे किन्ोंने सिनेमाटोग्राफी की है कि डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग आ, आ, रेटिंग रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मनहान ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बाहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेउन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से एंड मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोजर टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन इलेवन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहलवर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का कैरेक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोस्टो तो, डोस्टो तो एवासकाय एवास द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूबर्ट वाइट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम पर आउट ऑफ़ की रेटिंग, है।, जो कि एक एवेज, एवेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज्यादा कमाल का नहीं देखना मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दैक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई एम वीवी पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे किन्ों ने सिनेमाटोग्राफी की है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग रेटिंग uh, रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मोनहर्न ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंक्लर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बाहड़वर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेउ ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से गैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोज टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामोट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में 39.3 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहलवर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब के लीडर फ्रैंक का कैरेक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोसटो तो, डोसटो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपर्ट वॉट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम डी पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दैक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी की एक्ट्रेस के बारे में कि कौन सी एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएँगे किन्होंने सिनेमाइटोग्राफी की है कि डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग आ, आ, रेटिंग रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मनहान ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेउ ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से गैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोजर टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन इलेवन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी से लेकर थर्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहलवर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का करैक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नोवेल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोस्टो तो, डोस्टो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपर्ट वाइट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम डब्ल्यू पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दाक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्ों ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि इन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे कि इन्होंने सिनेमाटोग्राफी की है कि इन्होंने डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग रेटिंग uh, रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मोनहर्न ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बाहड़वर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से एंड मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोज टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामोट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए बाफ़ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट 25 से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहड़वर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का करैक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डॉस्टो तो, डॉस्टो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपर्ट वॉयट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दैक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो तो इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई एम वीडियो पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो तो प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे किन्ों ने सिनेमाटोग्राफी की है कि डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग आ, रेटिंग रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मोनहर्न ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की है गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से गैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोजेड टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन इलेवन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहलवर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉहन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब के लीडर फ्रैंक का कैरेक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंस ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नॉवल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोस्टो तो, डोस्टो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूबर्ट वॉट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम डब्यू पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दया कैम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे किन्ों ने सिनेमाटोग्राफी की है कि डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग रेटिंग uh, रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मनहान ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बाहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेउन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से एंड मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोज टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन इलेवन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहड़वर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉहन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का करैक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोस्टो तो, डोस्टो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूबर्ट वाइट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम पर आउट ऑफ़ की रेटिंग, है।, जो कि एक एवेज, एवेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज्यादा कमाल का नहीं देखना मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दैक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई एम वीवी पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे किन्ों ने सिनेमाटोग्राफी की है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग आ, रेटिंग रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मोनहर्न ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बाहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से गैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोजेड टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामोट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहड़वर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉहन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का करैक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोसटो तो, डोसटो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपर्ट वॉट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम डी पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दैक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं किहोने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे किन्ों ने सिनेमाइटोग्राफी की है कि डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग रेटिंग uh, रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मनहान ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेउ ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से गैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोजर टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन इलेवन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी से लेकर थर्टी मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में 39.3 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहलवर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का कैरेक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नोवेल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोस्टो तो, डोस्टो तो एवास एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपर्ट वाइट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का ई पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दाक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी की एक्ट्रेस के बारे में कि कौन सी एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे किन्ों ने सिनेमाटोग्राफी की है कि डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग आ, आ, रेटिंग रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मनहान ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बाहड़वर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूजिक किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से दैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोज टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामोट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए बाफ़ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट 25 से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहड़वर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का करैक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंस ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोसटो तो, डोसटो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपॉट वॉयट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दैक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई एम वीडियो पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्ों इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे किन्ों ने सिनेमाइटोग्राफी की है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग रेटिंग uh, रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मोनहर्न ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की है गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूजिक किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेउ ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से गैम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोजर टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहलवर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉहन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का करैक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंस ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नॉवल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोस्टो तो, डोस्टो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूपर्ट वॉयट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का एम डब्ल्यू पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखने मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको ज़रूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दा कैम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो so इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो so प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में 2014 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप द गैम्बलर मूवी को देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की सो अगर आप भी द गैम्बलर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे द गैम्बलर मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो बात करेंगे इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर आपको द गैम्बलर मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है फुल डिटेल में बात करेंगे बात करेंगे इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी है द गैम्बलर मूवी की फुल इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएँगे किन्ों ने सीनेमाटोग्राफी की है कि डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में आपको पता चल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना साथ ही में बात करेंगे गैम्बलर मूवी के आई रेटिंग के बारे में कि क्या इस मूवी का रेटिंग आ, रेटिंग रहा है कितने ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रिव्यूज़ दिया है सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि क्या इस कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी को डायरेक्ट किया है रूपर्ट वायट ने रूपर्ट वायट जो कि इंग्लिश स्क्रीन राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं 2008 में उन्होंने द इस कैपिस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था उसके साथ डेविड किया था 2011 में उन्होंने राइस ऑफ द प्लैनट ऑफ द एपस मूवी को डायरेक्ट किया था 2019 में कैप्टिव स्टेट मूवी को बनाया था स्क्रीन प्ले लिखा है द गैम्बलर मूवी का विलियम मनहान ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को एरविन विंकलर ने रॉबर्ट क्राहट ऑफ ने मार्क बहलवर्ग ने स्टीफन लेविनसन ने एंड डेविड विंकलर ने एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आप द गैम्बलर मूवी में देख पाओगे सबसे पहले लीडिंग रोल में मार्क बाहलवर्ग देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं माइकल के विलियम्स देखने को मिल जाते हैं जैसिका लैंड्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की है द गैम्बलर मूवी में ग्रेज फ्रेसर ने और इस मूवी को एडिट किया है पीट ब्याड्रियव ने और म्यूज किया इस मूवी का थियो ग्रीन ने जॉन ब्रेउन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी से एंड आगेम्बलर मूवी के कार्ट ऑफ विंकलर प्रोडक्शंस क्लोजर टू द होल प्रोडक्शंस लेवरेज एंटरटेनमेंट और द गैम्बलर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन था और रनिंग टाइम है द गैम्बलर मूवी का वन इलेवन मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी का बजट ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वन मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एक्ट्रेस की बात की जाए कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है मार्क बहलवर्ग की, की सबसे पहले लीडिंग रोल में जिम बैनट के रूप में आप इस मूवी में देख सकते हो जॉन गुडमैन ने फ्रैंक मतलब कि लीडर फ्रैंक का कैरेक्टर निभाया है ब्राई लार्सन ने एमी फिलिप्स का कैरेक्टर निभाया है माइकल के विलियम्स ने नेविल बाराका का कैरेक्टर निभाया है जैसिका लेंज ने रॉबर्टा का कैरेक्टर निभाया है जॉनर की बात की जाए तो द गैम्बलर मूवी एक क्राइम ड्रामा क्राइम ड्रामा मूवी है और आपको बता दें कि यह मूवी एक नावल के ऊपर बनाई गई है सेम ने सेम नेम का नावल है द गैम्बलर ही उस नावल का नेम है उसके ऊपर इस मूवी को बनाया गया है जो कि फैडोर डोस्टो तो, डोस्टो तो एवास, एवास का द्वारा लिखा गया था और काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आएगी अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है इस मूवी में एक गैम्बलर की स्टोरी है कि कैसे गैम्बलर उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौड़त होती है और कैसे वो सब कुछ अपना गैम्बलिंग में लुटा देता है वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको आएगी काफ़ी अच्छा रूबर्ट वाइट की डायरेक्शन देख सकते हो एंड एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी कमाल का इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा सो जरूर से देख लेना पूरी टीम द्वारा बहुत ही बढ़िया काम किया गया है द गैम्बलर मूवी में आई की रेटिंग कर लेते हैं कि कितना आई पर रेटिंग किया गया है गैम्बलर मूवी का आई पर सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो कि एक एवरेज एवरेज रेटिंग हो जाती है मतलब कि आप इस मूवी को देख सकते हो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं देखना मिलेगा लेकिन अगर आपको क्राइम ड्रामा से प्यार है तो यह मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया हुआ है कहाँ पर आपको दैक एम्पलर मूवी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं सो तो इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप आई एम वीवी पर देख सकते हो यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हुलू पर देख सकते हो लेकिन यूट्यूब पर आपको यह मूवी देखने को नहीं मिलती सो तो प्राइम वीडियो पर देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना